अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा है 1.1 के थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो इसको करते हैं बाय, कैसे करना है? बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर के अधिस आर को हम 1 बनाएंगे। तो जो एक्स स्क्वेयर के साथ है ये एल है, जो भी एक्स स्क्वेयर के साथ आएगा उसको हमने क्या करना है, पूरी इक्वेशन के साथ उसको डिवाइड कर देना है। और ये एक्स एक्स के साथ, एल जो एल के साथ कट, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, और यहाँ हमारे पास आएगा एम एक्स ओवर एल प्लस एन ओवर एल। उसके बाद स्टेप करना होता है हमने एक्स स्क्वेयर और एक्स को एक तरफ, और ये कांस्टेंट अब एन ओवर एल इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एम ओवर एल एक्स प्लस, और इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस इक्वल जी आ जाए। अब क्या करना है जी, एक्स का अधिसार देखना है, एक्स का कोफिशेंट यहाँ क्या है, एक्स के साथ एक्स को अलग करें और जो भी बचता है। अब देखें, आप ढूंढेंगे कि यहाँ तो ये वेरिएबल नहीं है जी, और सॉरी कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ ये कांस्टेंट है, ये इसका कोफिशेंट है, अधिसार है ये एक्स। तो एक्स के साथ जो है उसको आपने सेपरेट लिखना है, एम ओवर एल आ गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। अब ये कैंसल नहीं हो सकता, किसी के साथ कट नहीं सकता, तो क्या करेंगे, एम को इसके साथ यानी कि एम को 1 के साथ करेंगे तो वही आ जाएगा, और 2 को एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2L। और इसका लेंगे हम स्क्वेयर और इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड कर देंगे, ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एम ओवर एल एक्स, और यहाँ दोनों तरफ एम ओवर 2L और इधर माइनस एल एन ओवर एल प्लस एम ओवर 2L आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये क्या करना है, आपने पिछले अगर 2-3 प्रश्न कर लिए हैं तो आपको समझ आ गई होगी कि इसमें क्या करना है, स्केयर कंप्लीट करना है। तो जो स्केयर वाली वैल्यू है दोनों, ये और ये, इनको लिखें, और दरमियान में प्लस या माइनस कैसे पता चलेगा कि आपने प्लस कौन सी जो है, कौन सा साइन, कौन सी अलामत लगानी है, वो पता चलेगा इस दरमियान वाली वैल्यू से। अगर ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे और ऊपर स्केयर, ये आपके पास जो है स्केयर कंप्लीट हो चुका है। अब इधर सिंपलीफाई करें तब तक जब तक आपके पास ये एक वैल्यू ना हो जाए। तो ये आ जाएगा एम स्केयर, और यहाँ आएगा 2L है तो ये 2 का स्केयर 4, और L का क्या होगा, L स्केयर आ जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड काम है एलसीएम का, तो इसमें मेथड वही है आपने एलसीएम लेने का, कि क्या करना है कि दोनों अगर कांस्टेंट ना आए तो आपने जो बटे के नीचे होगा, जो वैल्यू होगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और तमाम जो है वो हासिल मल्टीप्लाई के बाद जो आएगा वो एलसीएम आपका होगा। लेकिन अगर कोई सेम वैल्यू आ जाए तो उनमें से एक लिखेंगे, जैसे ये एल है तो इधर भी एल है। ठीक है, तो हम इनमें से एक लिखेंगे, देखिए एल स्केयर है तो इधर एल है, तो हम बड़ी वैल्यू को लिखेंगे, 4 तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, एल है ये सेम है, लेकिन बड़ी वैल्यू को जो एल स्केयर है, ये इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है। तो पिछले क्वेश्चन में बताया गया कि मोस्टली बड़ी वैल्यू लिखी जाती है एलसीएम में, तो एल स्केयर आएगा इसका एलसीएम, 4L स्केयर। अब इसको इसके साथ
डिवाइड करना है और जो आंसर आना है उसको उस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई करना है तो इसके साथ करेंगे। ये आपको थोड़ा सा मजीद मैं बता दूं इधर अलहदा कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कैसे करना होता है। इसको बटे के नीचे आप ऊपर नीचे रखें, कोई भी वैल्यू को आप इस तरह भी कर सकते हो, तकसीम दूसरे तरीके से भी, तो करना इस तरह होता है। देखें ये इसको ऊपर रखें और इसको नीचे सेपरेट आप हल कर लें, अगर नहीं आपको पता चल रहा तो एल को एल के साथ एक एल कट जाएगा तो क्या रह जाएगा 4 एल। इट मीन कि यहाँ भी आप ये चीज़ देख सकते हो कि ये जो चीज़ सेम होती है उसको छोड़ें और जो बाकी बचता है उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नहीं समझ आ रही तो आपने इसी तरह लिखना है, ये जो एलसीएम है उसको ऊपर लिखें और जिसके साथ आप मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहते हैं उसको नीचे लिखें और जो बाकी बचेगा ये आपका आ गया 4 एल, तो उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 4 एल हो जाएगा, 4 LN। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें सेम, अगर इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो सारी हर चीज़ कट जाएगी 4 4 के साथ, एल स्केयर एल के साथ, तो 1 बचेगा। अब 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्केयर ही आएगा। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद देखें, ये एम स्केयर है, ये 4 LN है, इसको आप ऐड नहीं कर सकते या प्लस या माइनस कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसको हम यहाँ ही रहने देंगे। ये सिंपलीफाई हो चुका है, ये आपका एक वैल्यू बन चुकी है। जब एक वैल्यू बन जानी है तो उसके बाद बताया गया था कि आपने स्केयर रूट लेना है फिर, तो ये इधर एल होल स्केयर, उसके बाद यहाँ ही आप स्केयर रूट लें, तो ताकि स्टेप थोड़े से कम हो जाए यहाँ। ठीक है, अब इस पर नीचे भी स्केयर रूट ले सकते हैं। ठीक है, ये इसके साथ कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स के एक्स प्लस एम ओवर 2 L। ठीक है, और अब देखें यहाँ थोड़ा सा आपने एहतियात से काम करना है, इसका स्केल इसके साथ काट नहीं देना। ये दो वैल्यू है, अगर इनके दरमियान प्लस या माइनस हो तो फिर होल स्केयर कटता है, जैसे ये इधर कट कट किया हमने, कैंसिल हुआ, ये इसका अलग अलग है। अगर इसके साथ इसमें जरब मल्टीप्लिकेशन होता तो फिर हमने कैंसिल कर देना था। अब ये दो वैल्यू है, ठीक है, ये अलग है ये अलग है, तो इसका होल स्केयर होता दोनों का इकट्ठा जैसे इधर था तो फिर हम कैंसिल कर सकते थे। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता, नीचे ये दोनों का स्केयर रूट है, नीचे हो जाएगा, ये एक सिंगल वैल्यू है, यानी कि ये स्केयर कटेगा और ये 4 का स्केयर होता है 2, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -4 LN, ऊपर वाली सेम वैल्यू आ जाएगी एम स्केयर, इसका स्केयर रूट, ठीक है, और नीचे वाले का स्केयर रूट लेंगे तो इसका आ जाएगा ये 2 L। अब देखिए बताया था और फिर रिपीट करता हूँ कि अगर स्केयर रूट खत्म ना हो तो आपने इनको ये प्लस और माइनस वाली वैल्यू को सेपरेट नहीं लिखना, ये इकट्ठा ही लिख दिया करें आप। अब क्या करना है, ये स्केयर रूट खत्म नहीं हुआ तो ये मजीद सिंपलीफाई नहीं होगा, सिर्फ आपने क्या करना है इसको जस्ट इधर लेके जाना है ताकि एक्स को हम अलहदा कर सकें। तो एक्स जब अलहदा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू निकल आएगी, इसको हम इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, तो एम ओवर 2 L आ जाएगा, और साथ प्लस माइनस और ऊपर स्केयर रूट। ये चाहे आप एम स्केयर वाली यानी कि प्लस की वैल्यू को आप पहले लिख लें और 4 LN को बाद में ना भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 L। ठीक है, अब यहाँ सिंपलीफाई थोड़ी सी और होना हो रही है कि ये 2 L और ये 2 L, इस दोनों का एलसीएम ये देखें, ये एक वैल्यू है, दोनों का एलसीएम लेंगे ये सेम है, तो जब नीचे वैल्यू सेम हो उनमें से एक लिखते हैं और ऊपर वाली भी एज इट इज ही आती, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एल इक्वल एक्स इक्वल होगा -M+-M² -4 LN, और इनका एलसीएम जो है दोनों में से एक लिख देंगे, ये आएगा 2 L। ये है जी आपके पास है इसका आंसर। ठीक है, ये ठीक है, ये देखें कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप अगर स्टेप को फॉलो करते रहें और थोड़ी सी प्रैक्टिस करें
इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इनमें से मोस्टली पेपर में क्वेश्चन आता है, इसलिए इनको बार बार करें ताकि आपकी जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें प्लस माइनस वगैरह में जो मिस्टेक होती है वो क्लियर हो सके। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।